ऐसे यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है, दूध के साथ साथ यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है जो हम चाय पियेंगे अब, और इसको दोबारा गर्म करना पड़ेगा, स्लिप भी गर्म हो गई इसके साथ। और यहाँ पे ये हमारी आलू गोभी की सब्जी बन के रेडी है, ठीक है। और अब मुझे गूंदना है आटा और हम बनाएंगे आलू सब्जी। ये कढ़ाई ऐसे काली है बिकॉज ये लोहे की कढ़ाई है, ओके डार्लिंग। तो यहाँ पे ये है और चाय बन चुकी है, चलो चाय पीते हैं। और चाय के साथ हम क्या खाएंगे आज? आज हम खाएंगे वाइट वाइट रसगुल्ले। किस किस को पसंद है? वैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट हाँ मुझे खाने पड़ेंगे नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। तो किसको डर लगता है ख़राब होने से? तो मुझे तो डर लगता है भी ये ख़राब हो जाएंगे क्योंकि फ्रिज व्रिज नहीं है हमारे पास। तो ये हैं रसगुल्ले जो मैं खा जाऊँगी अभी, और खाने से पहले एज यूजल गुरु जी को भोग लगेगा चाय प्रसाद का और रसगुल्ले का। तो चलिए करते हैं, गुरु जी को भोग लगाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं उसके बाद आपको चाय पीने के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे हो रही है गुरु जी की सुबह की आरती और गुरु जी को चाय प्रसाद दिया जा रहा है। चाय प्रसाद के साथ आप देख रहे हैं बाउल में एक कचौड़ी है और समोस, वो हैं रसगुल्ले, वाइट वाले रसगुल्ले, और जो जल रही है सुबह सुबह गुरु जी की। और आप ये देख रहे हैं मेरे गुरु जी के चरण और ये मेरे प्यारे से गुरु जी। रिफ्लेक्शन पड़ने से ना अजीब सा लग रहा है, तो अब ये रिफ्लेक्शन हटा तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे गुरु जी। और कल गुरु जी के यहाँ पे लगेगी लाइट, बहुत सुंदर सी लाइट लगने वाली है, तो कल देखते हैं गुरु जी और कितने प्यारे से लगते हैं ना हमारे गुरु जी। तो आ जाइए आप भी, चाय प्रसाद ले लीजिए गुरु जी के साथ। गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं ना, तो वो चाय प्रसाद बन जाता है, चाय चाय प्रसाद बन जाता है और उसमें ब्लेसिंग्स आ जाती हैं, तो वो आपकी मेडिसिन का काम करती हैं। तो मेडिसिन तो अपना काम करती हैं बट ब्लेसिंग्स जो होती है ना वो गुरु जी का, वो अपना काम करती हैं। तो प्यारे से गुरु जी जो हमें देते हैं ना, जो हमें बख्शते हैं, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो एक जिस जिसको छोटे से ब्लेसिंग्स प्राणी का चाहिए आपको एक घर आइए दिखाती और हूँ। लीजिए। पता नहीं ये घर इसने बनाया है या यहाँ पे स्टे करने के लिए आया है। तो ये मेरे फ्लावर हैं, इनके अंदर ये छुपा हुआ था। मेरे को लगा था आज मैं हनी भी दिखाऊंगी आपको बिल्कुल पास से, तो ये तो पता नहीं और ही कुछ है। तो ये है मेरे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से फूल और ये उसका पौधा। पौधा आ गया, गमला आ गया, पर मिट्टी नहीं आई भाई। ये पौधा गमला मैंने मैम उस दिन ले लिया था रूपा मैम, बट चेंज नहीं हो पाया अब तक ये। तो गाइस यहाँ पे मेरे स्टूडेंट आ चुके थे, यहाँ पे क्लासेस चल रही थी और ये मेरे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जो अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं मेरे पास। तो यहाँ पे चलती हैं हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लासेस। तो अगर आप राइटिंग से हमारे बच्चों अपने बच्चों की राइटिंग से परेशान है तो ज्वाइन करें हमें अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत नू अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। तो शाम की आरती जैसे कि आप देख रहे हैं हो चुकी है हमारी शाम की आरती, और बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी के पास बैठ के अपने दिल की बात करने का। मजा ही मजा ही मजा ही कुछ और है। तो हमारी जो शाम की आरती है वो हो चुकी है, बच्चे क्लास करके जा चुके हैं, तो सोचा आपको भी गुरु जी के एक बार दर्शन करा दूं। ये हैं मेरे प्यारे से गुरु जी और शाम की हमारी आरती हो चुकी है डन। तो कैसे लग रहे हैं हमारे प्यारे गुरु जी? प्यारे ना, तो बताइएगा जरूर कैसे लग रहे हैं आपको हमारे गुरु जी। तो बाहर का व्यू दिखा देती हूँ आपको एक बार। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं शाम के भी 6:30 बजे हैं और अभी हुई है हमारी आरती। और चलिए दिखाती हूँ बाहर का भी व्यू। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा फैला हुआ है बिकॉज अभी कुछ लोग आए थे, वो शर्ट्स पसंद करने आए थे, तो वो शर्ट्स आज सेल हुई हमारी, तो ये शर्ट्स का ही है। आप इसे असेंबल करके ऊपर लगाऊंगी अलमीरा में सारा कुछ। तो ये हमारी जो शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया है वो है, और कुछ बॉक्सेस यहाँ पे भी हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ अलमीरा के अंदर भी हैं। तो मैं शाम का व्यू दिखाने जा रही थी आपको, रुक गई मैं बीच में बिकॉज़ ये भी बहुत ज़रूरी है ना। तो ये हैं हमारे पौधे, जैसे कि आपको दिख नहीं रहे होंगे इस समय, हाँ दिखे ब्लर हो रही थे बट अब दिख रहे हैं लाइट्स में, बहुत सुंदर। मिलवाया नहीं ना मैंने पौधों से आपको बहुत दिनों से, है ना। तो ये हैं हमारे प्यारे प्यारे से पौधे, तो हेलो हाय कर लीजिए आप भी एक बार। और यहाँ पर भी हमारा गार्लिक, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कल हमने पकोड़े बनाए थे, परसों सॉरी, तो उसमें हमने गार्लिक अपना यूज़ किया था राधा की रसोई में, राधा के किचन गार्डन से जो
गार्लिक यूज़ हुआ था वो यहाँ से हुआ था। और ये हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से पौधे, और ये अजवाइन का पौधा ना ये बड़ा हो गया अब, तो इसको ना किसी और उसमें ट्रांसफ़र करूँगी। बट यहाँ पे जो ये एक प्रॉब्लम मेरे साथ जो चल रही है, प्रॉब्लम क्या, चैलेंज ही बोल सकते हो आप उसको, ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर लग रहे हैं ना इस पौधे के। और आपको मिलाती हूँ हमारे पौधों के अमिताभ बच्चन से। तो ये है हमारे पौधों का अमिताभ बच्चन। अभी तक मुझे लग रहा था ये अमिताभ बच्चन है, बट अब ये है अमिताभ बच्चन जो इसकी हाइट से भी कहाँ तक जा चुका है। तो ये है हमारा पौधों का अमिताभ बच्चन, ठीक है। और ये कौन है, रेखा, क्योंकि जया भादुरी तो आई थिंक यहाँ तक भी नहीं डिजर्व करती। आए रब्बा मेरे, तो मैंने मिलाया आज आपको पौधों के अमिताभ बच्चन से करी लीव्स हमारा। और छिमी का ना बहुत प्यारे से फ्लावर्स आए थे आज, मैं दिखाऊंगी आपको, वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। तो दिन में मैंने उनकी फ़ोटो ली थी। ये हमारे आगे फ्लावर, और इनसे भी मिलते ही रहते हो आप, है ना, अंधेरे में पता नहीं कैसे दिख रहे हैं रोज़। ये हमारा पालक, और ये हमारा जो नया नया पौधा आया था उसके कितने प्यारे से फूल है ना। ये हैं हमारे न्यू फैमिली मेम्बर्स, तो आप मिल रहे हैं उनसे। और कहाँ आई थी मैं, क्या करने आई थी ना, पौधों से मिलाने बैठ गई, आई थी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाने। तो एक बार हम पहुँच चुके हैं बाहर, और हवा बड़ी प्यारी चल रही है। तो एक बार जय श्री श्याम का भी नारा लगा दीजिए सारे भक्त, और एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय श्री राम। तो भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो ये है हमारे बाहर का ब्यूटीफुल सा व्यू, व्यू व्यू है ना ये। अब आप बोलोगे इसमें ऐसा खास क्या है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही रहता है ये, तो नहीं डार्लिंग, यहाँ पे अब बहुत सारी लाइट्स ना बढ़ चुकी हैं, जो बढ़ी हैं दिवाली की वजह से, है ना। तो दिवाली की वजह से लाइट्स बढ़ चुकी हैं, तो अब और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। तो ये है हमारे नाइट व्यू, और मैंने आज आपको मिलाया हमारे पौधों की हाई अमिताभ बच्चन से। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज आज मेरे पास कुछ था नहीं बनाने के लिए, और बस यही था सब कुछ, यही चला पूरा दिन। तो करें वीडियो की एंडिंग, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल। कोई व्लॉग ढूंढना, कोई कंटेंट बताओ कि किस कंटेंट पे वीडियो बनाई जाए, ताकि वो आपको अच्छी भी लगे, है ना। तो आज के वीडियो में तो मैं बेसिकली आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई वो आपको दिखाई, और मेरे स्टूडेंट्स की राइटिंग दिखाई, शर्ट सेल हुई वो दिखाई, और पौधों की किससे मिलवाया मैंने बताना ज़रा मैसेज करके किससे मिलवाया मैंने आपको, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप वीडियो पूरी देखते हैं। तो पौधों के अमिताभ बच्चन से मिलवाया मैंने आपको। तो और अब करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं कल किसी अच्छे से कंटेंट के साथ आपके साथ दोबारा से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।